हे hey, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञान ट्यूचर में। आज हम बात करेंगे टेबल नंबर 834 जीवन तरुण। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो इसके लिए करना क्या है, आपको राइट साइड में लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे LIC का टेबल नंबर 834 जीवन तरुण। ये प्लान स्पेशल बच्चों के एजुकेशन के लिए है। तो दोस्तों ये विशेषता है कि ये मार्केट के साथ कोई लिंक नहीं है और इसकी जो मैच्योरिटी है विद प्रॉफिट है और लिमिटेड प्रीमियम पेइंग प्लान है। इसमें आपने टर्म का कुछ मंथ ईयर आपने प्रीमियम कम पे करना है। और ये स्पेशली डिज़ाइन जो प्लान किया गया है वो चाइल्ड एजुकेशन के लिए किया गया है कि वो चाइल्ड एजुकेशंस जो भी चाइल्ड को ये पॉलिसी दी जाती है उसके एजुकेशन के समय ये प्लान काम आ सके। तो इसमें बेनिफिट जो मिलता है, बेनिफिट पेएबल ऑन मैच्योरिटी ऑन सर्वाइवल टू द एंड ऑफ द मैच्योरिटी टर्म्स बेसिक सम अश्योर्ड प्लस सिंपल बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, ये मैच्योरिटी पे मिलता है। और मैच्योरिटी पेएबल ऑन डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म द सम अश्योर्ड ऑन डेथ प्लस सिंपल बोनस प्लस FAB, अगर कोई FAB है फाइनल एडिशन बोनस तो वो इंक्लूड होके मिलता है। तो ग्रेस पीरियड की बात करते हैं। अगर आप मोड क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली अगर मोड आपने लिया है तो अगर आप 30 या 31, वो डिपेंड करता है कैलेंडर मंथ पे, अगर आप 30 या 31 दिन के अंदर वो प्रीमियम आप सबमिट कर देते हैं तो आपको कोई लेट फीस नहीं देना होगा। और मंथली अगर प्रीमियम मोड आपने लिया है तो उसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड आपको मिलता है। सरेंडर ऑप्शंस, देखिए आप 3 साल के बाद द पॉलिसी कैन बी सरेंडर्ड एनी टाइम ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स प्रोवाइडेड प्रीमियम हैव बीन पेड फॉर एटलीस्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स। ओके, इसमें 2 साल है। फॉर प्रीमियम पेइंग लेस देन 10 ईयर्स, अगर आप फॉर प्रीमियम पेइंग लेस देन 10 ईयर्स, अगर आप 10 साल से भी कम प्रीमियम पे करते हैं तो इसमें आपको 2 साल के बाद आप लोन के लिए सरेंडर के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। फॉर प्रीमियम पेइंग टर्म 10 ईयर्स या मोर, द पॉलिसी कैन बी सरेंडर एट एनी ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म्स प्रोवाइडिंग प्रीमियम हैव बीन पेड एट लीस्ट 3 कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, यानी 3 साल प्रीमियम पे करने के बाद अपने पॉलिसी को आप सरेंडर करवा सकते हैं अगर आपका टर्म 10 साल या 10 साल से ज़्यादा का आपने लिया है। लोन फैसिलिटीज़, या 3 साल अगर आपने प्रीमियम पूरा पे कर दिया है तो आप लोन के लिए एप्लीकेबल हो जाएंगे। सर्वाइवल बेनिफिट एंड मैच्योरिटी बेनिफिट, तो दोस्तों नो सर्वाइवल बेनिफिट 100% ऑफ सम अश्योर्ड, अगर आप 100% सम अश्योर्ड लेना चाहते हैं तो उसमें आपको सर्वाइवल बेनिफिट नहीं मिलेगा। 5% ऑफ सम अश्योर्ड एवरी 5th ईयर्स, अगर आप इसमें दूसरा ऑप्शन है कि 5% आपको सम अश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5th ईयर्स, यानी 75% ऑफ सम अश्योर्ड, 10% ऑफ सम अश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5th ईयर, एंड 4th ऑप्शन है 50% ऑफ सम अश्योर्ड एवरी ईयर फॉर 5th ईयर, यानी 25th ऑफ द सम अश्योर्ड। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है, या तो 5% आप ले सकते हैं, 10% ले सकते हैं, 15% ले सकते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रीमियम एवर बेनिफिट राइडर ऑन पेमेंट ऑफ द एडिशनल प्रीमियम LIC प्रीमियम एवर बेनिफिट राइडर इज प्रोवाइडेड टू द पॉलिसी होल्डर। It is not optional rider which can be options along with the basics plan. Rebate, deductions on the premium payment. Mode rebate, yearly mode पे आपको 2% table premium and half yearly पे 1%. Sum assured rebate, अगर 75,000 से लेकर 1,90,000 का sum assured होगा उस पर आपको कोई rebate नहीं मिलता। 2,00,000 से लेकर 4,90,000 पर आपको 2% of basic sum assured, 5,00,000 या 5,00,000 से ज़्यादा होगा उस पर 3% मिलता है। और एलिजिबिलिटीज एंड कंडीशंस जो रखी गई है इसमें, मोड जो रखा गया है ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली और मंथली है, टर्म जो है 25 साल
टर्म जो है 25th एज ऑफ मेच्योरिटी रखा गया है, एंड एज ऑफ एंट्री जो है जो रखा गया है मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 12 ईयर्स। मिनिमम समझ 75,000, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मेच्योरिटी एज जो रखी गई है 25th ईयर रखी गई है। तो ये है दोस्तों। अब सर अब हम आते हैं एक एग्ज़ाम्पल में। अब हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं, एग्ज़ाम्पल के तौर पे हम लेंगे 5 लाख का सम अश्योर्ड हमने सेलेक्ट किया, पाँच लाख का सम अश्योर्ड, एज हमने ले लिया 2 ईयर्स, तो हमें टर्म होगा 23 ईयर्स, जिसमें हमें देना है पीपीटी। पीपीटी का मतलब होता है कि अगर आपने टर्म लिया 23 साल तो उसमें आपको 5 साल माइनस हो जाएगा, यानी 18 साल आपने प्रीमियम पे करना है, जिसका बोनस 48 रुपये है। अब अगर हम सिलेक्ट करते हैं सर्वाइवल बेनिफिट, अगर 15% लेते हैं, 15% पे क्लिक कर दिया, अब प्लान पे डिज़ाइन करते हैं। अब देखिए इसमें जो है कैश रिटर्न आएगा 25% ऑफ सम अश्योर्ड ऑन मेच्योरिटी 1,25,000 रुपये, बोनस 5,52,000 रुपये, फाइनल एडिशन बोनस 1,25,000, एंड मेच्योरिटी पे हमें टोटल मिलता है 8,02,000 रुपये। और जो सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है जब एक लड़का 21 साल का हो जाएगा 75,000 का सम अश्योर्ड, 22 साल का होगा 75,000 रुपये सर्वाइवल बेनिफिट, 23वें साल 75,000 सर्वाइवल बेनिफिट, 24वें वर्ष 75,000 सर्वाइवल बेनिफिट, 25वें वर्ष 75,000 सर्वाइवल बेनिफिट, एंड ये फर्स्ट ईयर जो है 7710 रुपये का टैक्स सेव होगा, और प्रीमियम फर्स्ट ईयर जो पे होगा उनका साल का 25,699 रुपये, उसके बाद जो पे होगा 25,146 रुपये। टोटल प्रीमियम पेड किया उन्होंने 4,53,181 रुपये, और ये जो बेनिफिट मिलेगा इनको 21, 22, 23, 24, 25, 75, 75, 75 और लास्ट में 8,02,000 रुपये इनको ये रिटर्न आएगा। तो एक तरफ से देखा जाए बच्चों के एजुकेशन के लिए सबसे अच्छा प्लान है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक का बटन जरूर दबाइए। अगर दोस्तों आप मेरे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो राइट साइड में आपको लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।